अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था, ये भी उससे रिलेटेड है थोड़ा। तो जिसने अगर मेरी प्रीफिक्सेस वाली वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। मेरी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है। इन साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन ऐसे है, ऐसी चीज़ है जिन कहा जाता है कि जिनको बड़ी वैल्यूज जो हैं या छोटी वैल्यूज जो हैं उनको ना 10 की पावर में करके लिख देते हैं पॉइंट्स में, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हों या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हों, उनको लिखने में टाइम भी बहुत लगता है, एक्यूरेसी भी नहीं रहती, तो उससे हमारी नाम है मेजरमेंट जो है प्रिसीजन उसकी सारी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें साइंटिफिक नोटेशन बहुत अहम रोल अदा करती है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं एक्यूरेट कर देती है, शॉर्ट टर्म वैल्यू कर देती है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैस ऑफ अर्थ। अब मैस ऑफ अर्थ देखें, हमारा मैस अर्थ का जो मैस है वो कितना ज़्यादा है, यानी हमारी जो अर्थ है उसका मैस कितना ज़्यादा है, कितनी भारी है, कि 6×10^27 ग्राम। मतलब कि हमारे जो अर्थ का मैस है वो इतना ज़्यादा है कि 6 के आगे 27 टाइम्स ज़ीरोज लगते हैं, तो वो होता है हमारे अर्थ का मैस। अब ये कितना टाइम लेगा, और गलती से अगर बीच में कोई ज़ीरोस कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो मेजरमेंट सारी ख़राब हो जाती है। अब साइंटिफिक नोटेशन ने हमारा काम आसान कर दिया, परफेक्ट वैल्यू में पता चल जाती है, तो उससे हम उसको शॉर्ट टर्म वैल्यू करके लिख देते हैं, जिससे हमारी वैल्यू जो है उसकी एक्यूरेसी भी सही रहती है, हमारी वैल्यू जो है उसके प्रिसीजन भी सही रहती है। तो मैस ऑफ अर्थ जो हमारा 6×10^27 ग्राम है, तो अब जो 10^27 है ये हमने किस तरह किया, साइंटिफिक नोटेशन की वजह से किया है। तो जो भी बड़ी वैल्यूज़ हों या छोटी वैल्यूज़ हों, उनको जब हम 10 की पावर में वैल्यूज़ लिख देते हैं तो उसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। और अगर हम मैस ऑफ अर्थ जो है 6×10^27 ग्राम, इसको अगर हम किलोग्राम में लिखना चाहें तो वो हमारी पास वैल्यू बनती है 6×10^24 किलोग्राम। अब ये 24 कैसे हुआ 27 से, अब हमने 10^27 में से 10^3 को हमने किलो बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि प्रीफिक्स है किलो, जो हमारे पास एक प्रीफिक्स है तो उसकी वैल्यू होती है 10^3, तो इसलिए हमने 10^3 को किलोग्राम बना दिया और बाकी 24 उसकी वैल्यू रहेगी 6×10^24। तो अब हम किसी भी वैल्यू को जिस फॉर्म में अगर हमें रिक्वायर्ड होगा कि हमें किलोग्राम में चाहिए और मेगाग्राम में चाहिए, गीगाग्राम में चाहिए, जिस चीज़ में भी चाहिए, तो हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप एक ही एग्जांपल देखें, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 38,40,00,000 मीटर। अब कितना ज़्यादा डिस्टेंस है हमारी अर्थ का, प्लैनेट जो हमारी अर्थ और हमारा जो मून है उसके दरमियान कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब ये डिस्टेंस जो है याद रखना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें गिनने पड़ते हैं कि इसके अंदर कितने ज़ीरोज आ रहे हैं। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन ने आसानी से बता दिया कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको वैल्यूज़ जो है उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम सारे ज़ीरोज हटाएँ, लिखते हैं 384, अब 38,40,00,000 जो है उसके लास्ट में, बेशक यहाँ पे पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें तो पता है कि लास्ट में जहाँ पे भी वैल्यू ख़त्म होती है वहाँ पे पॉइंट लाजमी होता है। तो अब हम पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी कौन सी आती है, पॉजिटिव आती है। 10^10 हमारी वैल्यू जाती है वो पॉजिटिव आती है जब हम लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं, अगर हम राइट साइड पर मूव करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक हो गया, तो अब हमने पॉइंट जो है वो
फोर, जहाँ पे फोर तक आ गए, मतलब 6 जीरोज़ हैं, हमने 6 जीरोज़ जो हैं सारे हमने कट आउट कर दिए, और पॉइंट जो हमने फोर के बाद तक ले आए हैं 384 इनटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 किस तरह आ गई, क्योंकि हम 0.6 डिजिट्स पीछे ले गए हैं, तो इसलिए 10 की पावर 6 आ गई। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव किए, तो इसलिए हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाता है वो इस तरह भी लिख सकते हैं, 384 × 10^6 मीटर। अगर हम इसको और प्रिसाइज करें तो इसको पॉइंट्स हम 2 डिजिट्स और पीछे ले आते हैं, जब हम 2 डिजिट्स और पीछे लेके आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3.84 × 10^8 मीटर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अब ये हमारे पास वैल्यू है 62750, ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब हम एक पॉइंट पहले पीछे जाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास 62750। पॉइंट के बाद अगर हम जीरो ना भी लिखें तो खैर है, 6275 लिखें तो वो भी ठीक होगा, ठीक हो गया। तो 6275 × 10^1 या सिंपली 10, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम एक पॉइंट पीछे गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 10^1 है या सिंपली 10 है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके आगे कोई और एक डिजिट वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास 6275.0 × 10^1 आ जाता है। जब हम एक डिजिट और पीछे जाते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 6275। अब हम 5 के बाद है पॉइंट, हम 5 से पहले ले आए हैं पॉइंट, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, एक नंबर बढ़ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2। जब हम आगे और मूव करते हैं लेफ्ट साइड पे ही, तो और +1 एक और पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 62.750 × 10^3 आ जाएगा। और आगे जब हम मूव करते हैं तो 6.2750 × 10^4 आ जाएगा। और आगे लास्ट में आए, अब ये देखें यहाँ पे 6 लास्ट डिजिट था, अब उससे पीछे जाएंगे तो उससे पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो अब हमें पता है कोई डिजिट नहीं, लेकिन जीरोस तो हैं, जीरोस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बेशक हमने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन कोई भी वैल्यू उससे पीछे जीरोस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जितने मर्जी हो, क्योंकि जीरो आपको पता है जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6 × 10^5। अब जो हमने 6275 को इतने 5 स्टेप में एक्सपेंड किया है, सिंप्लीफाई किया है, अब इसमें से हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक हो गया। तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू वो है कि डेसिमल प्लेस जो है, ठीक हो गया, जो डेसिमल प्लेस है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वहाँ तक जो है एक्यूरेट वैल्यू है, मोर प्रिसाइज वैल्यू है। अब देखते हैं कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट है उससे पहले तक कहाँ कौन सी वैल्यू ऐसी है जहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है। अब लास्ट वाली देखते हैं, तो लास्ट वाली में हमारे पास डेसिमल प्लेस से पहले जीरो है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। इससे ऊपर वाली देखते हैं तो 6.2750 × 10^4। अब जो हमारे पास 6250 था उसके जो एक्यूरेट एक्सपेंशन है, जो एक्यूरेट जो हमने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, वो हमारे पास है 6.2750 × 10^4, ठीक हो गया। एक और ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, क्यों नेगेटिव में जाएगी बताते हूँ। ये देखें इसमें क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, 0.00045 सेकेंड्स, ठीक हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, हमने कहा था ना कि डेसिमल प्लेस से एक पहले जो एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए तो वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको 4.5 बना देंगे। तो 4.5 बनाया तो जीरो डेसिमल प्लेस जो कितने कितने डिजिट्स आगे राइट साइड पे मूव किया है वो देख लेते हैं, कि 1, 2, 3 एंड 4 के बाद 4, तो ये हमारे पास बन जाता है 4.5 × 10^-4 सेकेंड। अब ये माइनस कैसे है, क्योंकि हम कहाँ पे शिफ्ट किए हैं, राइट साइड पे शिफ्ट किए हैं, तो हमने जब पढ़ा हुआ है कि डेसिमल प्लेस को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, नेगेटिव आती है, क्योंकि हम छोटी वैल्यू से अब हम बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, 0.00045 थी बहुत छोटी वैल्यू थी, जब हमने उसको 4.5 बनाया तो इसलिए हमारे पास 7 10^10 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक हो गया। एक और ये एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़े देखें एग्जांपल के 5 6 है, उसके बाद बीच में जीरोज हैं, उसके बाद आगे फिर नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको वैसे डिटेल में जो आगे हम पढ़ेंगे, आगे इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आएगा, उसके इंपॉर्टेंट बहुत रूल्स हैं, उसके मुताबिक भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम तो साइंटिफिक नोटेशन पे, तो उसके मुताबिक हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। कि हमें पता है कि लास्ट में जो डिजिट है वो कहाँ पे है, 8 के बाद, 8 के बाद डिजिट्स है, जब हम उसको मूव कराएंगे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, तो अगर हम 56 के बाद तक पॉइंट तक लेके आते हैं तो हम कितने डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम 7 डिजिट्स
लेफ्ट साइड पे मूव किया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 56 × 10⁻⁷ मीटर पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव किए हैं। अगर हम इसको मोर एक्यूरेट करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल प्लेस से पहले नॉन जीरो एक डिजिट होना चाहिए, तो वो एक्यूरेट होगी, तो इसलिए हमारे पास ये बनता है 5.6 × 10⁸ मीटर पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर मूव किए हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, कोई भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, वो हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दी हुई हैं, तो अब अगर हमें उनको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, डिवीजन करनी हो, तो अब हम उनको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो चलें वो भी सीखते हैं। सपोज हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू है हमारे पास 3.84 × 10⁸, एक और वैल्यू है हमारे पास 4.5 × 10⁻⁴। अब हमने जब इनको सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो किस तरह करेंगे, पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई हमने करना है, तो इसलिए जो हमारे पास कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं, मतलब कि 3.84 जो वैल्यू है और 45 वैल्यू है, जो स्क्रिप्ट में वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ उनको हम अभी कंसीडर नहीं करते, पहले अब इन दो वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, 3.84 और 45, इनको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपने ये रूल याद रखना है कि जो हमारे पास पावर में वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में 10⁸ है और सेकंड वाले में 10⁻⁴ है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यूज़ दोनों के जो वो हैं कॉन्स्टेंट्स हैं वो सेम है, तो वेरिएबल्स इनके सेम है, तो इसलिए इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये किस तरह करेंगे देखते हैं। जो हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया 3.84 एंड 45 को, तो वो हमारे पास आंसर आता है 172.8। ये तो हमारा सोल्व हो गया। अब हम पावर को किस तरह सोल्व करेंगे, पावर को इसी तरह सोल्व करेंगे कि 8 और -4 है, इनको हम ऐड कर देंगे। जब 8 और -4 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास बन जाता है 8 - 4। 8 - 4 किस तरह बना, क्योंकि हमने ऐड करना है, तो आपको पता है प्लस माइनस डैट इज इक्वल टू माइनस, तो इसलिए वो हमारे पास -4 था, वो -4 इसी तरह आ जाएगा, तो 8 - 4 जब हमने किया, तो वो हमारे पास बन जाता है 172.8 × 10⁴। तो हमारे पास इस दो वैल्यूज़ को जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में थी, उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर इस तरह आ जाता है। और अगर हमें डिवीजन करनी हो, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं जो हमारे पास आंसर है मल्टीप्लाई का, वैल्यू है हमारे पास 172.8 × 10⁴, इसको अगर हमें डिवाइड करना हो 5.6 × 10⁻⁸ से, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि हमने कॉन्स्टेंट वाली वैल्यूज़ को इसी तरह पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवीजन में भी हम इसी तरह करेंगे कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है उसको पहले हम डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, उनको तो काम हो गया। अब जो पावर्स है उनको किस तरह सॉल्व करें, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि दोनों पावर्स जो थी उनके क्या नाम है 10 10 कॉन्स्टेंट्स थे, तो इसलिए उनके कॉन्स्टेंट सेम थे, तो हमने उनके पावर्स को ऐड कर दिया था। डिवीजन में देखें कॉन्स्टेंट सेम है, तो उनके पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिवीजन का मतलब होता है माइनस, तो हम उनको उनके पावर्स को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हमने उनको डायरेक्ट डिवाइड किया 172.8 और 5.6 को, तो हमारे पास वो बनता है 30.85। लेकिन जब हम पावर्स को जब हमने सॉल्व करना हो, तो वो किस तरह करेंगे, 10⁴ इसी तरह आ गई, जब नीचे से 10⁻⁸ ऊपर जाएगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो डिवाइड में जो भी चीज़ होती है नीचे, जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है, तो 4 हमारे पास 10⁴ इसी तरह आ गया, माइनस जो हमारे पास वो डिवाइड का आ गया, और जो ब्रैकेट के अंदर -8 है वो हमारे पास जो पावर थी -8 वो आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आया। आगे देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस डेट इज इक्वल टू प्लस, तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी 4 + 8। पावर्स को सॉल्व किया हमने, तो वो हमारे पास आंसर आता है 30.85 × 10⁻½। तो हमारे पास जो डिवीजन्स थी दो वैल्यूज़ की, जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में थी, जब हमने उनको डिवाइड किया, तो वो भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आपको मेरी उम्मीद है समझ आया होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, और डिवीजन में क्या करना है, हमने पावर्स को माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टेंट वाली, वो तो उसी तरह जो हमने चीज़ करनी है मल्टीप्लाई करना है, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन करनी है तो उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मेरा अगर लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई कहीं किसी पॉइंट पे भी, तो आप इजीली मेरे से कमेंट्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूंगा, हर क्वेरी क्लियर कर दूंगा आपकी, तो इंशाल्लाह आपकी वो क्वेरी भी दूर हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।